गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर. स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 3 की रीडिंग की थी. स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए आपको लेट लगा. स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3, क्लोथ्स वी वियर. हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ये कल हमने रीड किया था. क्यों पहनते हैं हम क्लोथ्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस से क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आंसर दो. क्लोथ्स हमें किस किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों पहनते हैं हम क्लोथ्स? हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. इन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे क्लोथ्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Okay? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हम लोग क्लोथ्स हैं वो पहनते हैं. और हर सीजन के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं. समर सीजन में हमने देखा था कि हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और रेनी सीजन में हम रेनकोट, गमबूट, अम्ब्रेला का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने यूनिफॉर्म्स देखी थी. कौन कौन लोग यूनिफॉर्म देखे पहनते हैं, अदर यूजेज ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के अदर यूजेज देखे थे. कॉस्ट्यूम्स देखी थी कि अलग अलग रीति रिवाज के जो लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कैसे ड्रेस है वो पहनते हैं. ओके आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करते हैं. तो आप अपनी बुक ओपन करें पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 स्टार्ट करते हैं. टिक द राइट आंसर. जो क्वेश्चन राइट है इसमें उस ऑप्शन को हमें टिक करना है. नंबर ए, चैप्टर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वियर इन समर. यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, उनमें से हमें बताना है कि हम समर सीजन में कौन से क्लोथ्स हैं वो पहनते हैं. समर सीजन कौन सा होता है? मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. समर सीजन गर्मी का मौसम होता है जो अभी फिलहाल चल रहा है. इसमें हम लोग क्या पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, रेनकोट पहनेंगे. नो, रेनकोट जब बारिश होगी तब पहनेंगे. जैकेट हम कब पहनते हैं, विंटर सीजन में पहनते हैं. तो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन में, ए. फर्स्ट नंबर में ए ऑप्शन को टिक करेंगे. शॉर्ट्स. नंबर 2 देखिए. रीड कीजिए स्टूडेंट्स. सिल्क वॉर्म गिव्स अस. सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है सिल्क वॉर्म से? सिल्क मिलता है. सिल्क क्लोथ्स जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है. पार्टी वियर ड्रेसेस बनती हैं इसकी, बहुत सुंदर क्लोथ्स होता है ये. तो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क. सिल्क, सॉरी, नंबर सी ऑप्शन है ये. सिल्क, सी को टिक करेंगे. नंबर 3,
नंबर थ्री, लेदर इज यूज टू मेक, लेदर, लेदर क्या होता है, किसे कहते हैं लेदर? लेदर मीन्स, लेदर मीन्स क्या होता है? लेदर मीन्स चमड़ा, लेदर मीन्स चमड़ा, और लेदर से, लेदर से क्या बनते हैं? थ्री ऑप्शन हमारे पास है, बेल्ट, नैपकिन, कारपेट। बेल्ट बनते हैं, वेरी गुड। लेदर से क्या बनते हैं? बेल्ट। तो यहाँ नंबर ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। मैम होमवर्क करवा रही हूँ। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। नंबर ए रीड कीजिए स्टूडेंट्स, क्या है? पता नहीं मैं किसमें टिक कर रही हूँ, किसी में टिक है नहीं। वी गेट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल की स्किन से क्या तैयार होता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें? लेदर। क्या मिलता है? लेदर। लेदर किससे मिलता है? डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन से लेदर है वो बनता है, चमड़ा जिसको हम बोलते हैं। नंबर टू, फर्स्ट ऑप्शन में लेदर, फिलअप में लिख ले लेदर, LEATHER, लेदर, LEATHER, लेदर। नंबर बी, कीप अवर हैंड्स वार्म इन विंटर, विंटर सीजन में हमारे हाथों को गर्म कौन रखता है? हाथ को गर्म रखने के लिए, हैंड्स को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए हम हाथों में क्या पहनते हैं, क्या पहनेंगे स्टूडेंट्स? ग्लव्स। ग्लव्स, वेरी गुड। हाथों में हम क्या पहनते हैं? ग्लव्स। ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स। नंबर बी ऑप्शन में। नंबर सी में देखिए, वी वियर कॉटन शर्ट, वी वियर, वियर मीन्स, वियर मीन्स, WEAR, वियर, वियर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वी वियर साड़ी, मैंने क्या पहनी है? पहनना, पहनना, वेरी गुड। तो वी वियर क्लोथ, तो वी वियर कॉटन शर्ट इन, हम लोग कॉटन शर्ट कौन से सीजन में? अभी कौन सा सीजन है? गर्मी का, गर्मी का समर सीजन। वियर कॉटन शर्ट और कॉटन शर्ट कब पहनते हैं? समर सीजन में। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में समर की स्पेलिंग लिखोगे SUMMER, समर। नेक्स्ट नंबर थ्री देखिए, नेम द सीजन इन विच यू वियर दीज। यहाँ हमें कुछ ड्रेसेस दी हुई हैं, उनको देखना है और हमें बताना है कि ये हम कौन से सीजन में पहनते हैं। फर्स्ट पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या दिखाई दिया हुआ है? एक रेनकोट है। रेनकोट कब पहनते हो, कौन से सीजन में पहनोगे? ठंड के मौसम में मैम। रेनकोट, रेनकोट बरसात में, बरसात में जब बारिश होगी तभी पहनेंगे रेनकोट। रेनी सीजन में अभी भी मौसम हो रहा है बारिश का, अगर बारिश हो जाएगी तो कौन से ड्रेस पहनेंगे हम? रेनकोट पहनते हैं, गमबूट पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं, छाते का यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर थ्री में, आप लिखेंगे पहले रेनकोट, सॉरी रेनी, रेनकोट आपका लिखा हुआ है नीचे, उसके फिलअप में रेनी लिख लीजिए, RAINY, रेनी। रेनी सीजन, बारिश के मौसम में हम क्या पहनेंगे? रेनकोट। इसके बाद है
वूलन, वूलन कैप दी हुई है आपको सर्दी की, एक टोपी दी हुई है ना, और टोपी कब पहनते हो आप लोग? सर्दी में मैम, विंटर में, जब सर्दी का सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तब हम वूलन कैप पहनते हैं। टोपा पहनते हो ना स्कूल में, पहन के आते हो, इसमें लिखेंगे विंटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है? जैकेट, और जैकेट भी हम लोग कब पहनते हैं? कोट, जैकेट, स्वेटर, ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में ही पहनते हैं, इसलिए इसमें भी क्या लिखेंगे? विंटर। देखा आप, और कोई बच्चन जवाब दे? मैंने वेरी गुड, उसका सवाल। ओके वेरी गुड बेटा, अपना माइक ऑफ रखे, बोलने के लिए यूज करे। नेक्स्ट है, क्या दिया है नेक्स्ट पे? किसकी फोटो है? आप पिक देखिए, बताइए मुझे। स्वेटर, टी शर्ट, क्या लिखा है नीचे? टी शर्ट, टी शर्ट, और टी शर्ट, शॉर्ट्स, ये हम लोग कब पहनते हैं? समर में, समर में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समर। टी शर्ट के नीचे आप लिख लेंगे समर। रेनकोट के नीचे क्या लिखोगे? रेनी। वुलन के नीचे विंटर, जैकेट के नीचे विंटर, और टी शर्ट के नीचे क्या लिखोगे? समर। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर वन की रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन की रीडिंग, हाँ जी, रीडिंग करोगे तभी आपको आएगी। स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, रीड करने की कोशिश कीजिए बेटा। जोर से बोल। यस मैम। डब्ल्यू एच वाई क्या बनेगा? वाई यानी क्यों? वाई क्यों? डू वी वियर क्लोथ्स, वी मीन्स हम लोग, वियर मीन्स क्या बताया था मैंने? Wear means पहनना, very good. Clothes means कपड़े, very good. Why do we wear clothes? हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम इसका शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, we wear clothes to protect our body. आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए। We wear clothes to protect our body. हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, रक्षा करना, हाँ जी। तो क्लोथ्स मीन्स कपड़े, वे मीन्स हम लोग कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी। विच क्लोथ्स, कौन से क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर? विंटर सीजन में हम क्लोथ से कौन से पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स, वेरी गुड। विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वूलन। आंसर लिखेंगे, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। आंसर नंबर टू, वी वियर वूलन क्लोथ्स, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर।
वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी रीड कीजिए. Where do we get wool from? हमें वूल मीन्स क्या होती है, कल मैंने वर्ड मीनिंग में आपको बताया था वूल ऊन, और हमें ऊन है वो कहाँ से मिलती है. वेयर मीन्स कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से आता है ये वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से एनिमल, कौन सा एनिमल, शीप. देखिए रैबिट से भी बनती है, रैबिट बियर इनके हेयर से भी बनती है, लेकिन मोस्ट ऑफ वूल है ज्यादातर जो ऊन है वो हमें शीप के बालों से ही मिलती है. तो वी गेट वूल फ्रॉम बालों से वूल मिलती है. आंसर नंबर 3 वी गेट वूल फ्रॉम शीप, भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक एक्टिविटी हमें दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है. इसमें देखिए हु एम आई, मैं कौन हूं, ये ड्रेस हमें देख के बताना है कि मैं कौन हूं. अपनी बुक में देखिए फर्स्ट नंबर आई वियर दिस ड्रेस हु एम आई, अगर मैं ये ड्रेस पहनूं तो मैं कौन हूं. यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि किसी ने क्या पहना है, व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, और व्हाइट कलर्स के जो कोट होते हैं वो कौन पहनते हैं, कौन पहनते हैं, डॉक्टर, वेरी गुड, डॉक्टर पहनते हैं. इसलिए यहाँ तो मैं कौन हूँ, डॉक्टर, हु आई एम, आई एम ए डॉक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर की स्पेलिंग लिखेंगे, स्पेलिंग बोलिए डॉक्टर की, D-O-C-T-O-R, डॉक्टर. नंबर टू, आई वियर दिस ड्रेस हु एम आई, देखिए जो ब्राउन कलर की जो ड्रेस दी हुई है ये हमें इसको ड्रेस को देखते हुए, कैप पहन रखी है, यूनिफॉर्म पहन रखी है, बेल्ट लगाए हुए हैं, तो ये किसकी ड्रेस है, किसकी है, नंबर टू पे पुलिसमैन, किसकी है, पुलिसमैन. नंबर टू P-O-L-I-C-E पुलिस, M-A-N मैन, पुलिसमैन. नंबर थ्री आई वियर दिस ड्रेस, अब देखिए ये भी ब्राउन कलर की ड्रेस है और इसमें ने देखिए क्या लगाया हुआ है, अपना एक थैला, एक बैग टांगा हुआ है, तो आप कुछ पहचान पा रहे हैं, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, पोस्टमैन, वेरी गुड, ये कौन है, पोस्टमैन. नंबर थ्री पे हम क्या लिखेंगे, पोस्टमैन, पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन. ओके नंबर फोर आई वियर दिस ड्रेस हु एम आई, देखिए आई वियर दिस ड्रेस, एक व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां डॉक्टर होते हैं वो व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, और जो नर्स होती हैं वो ऐसी यूनिफॉर्म पहनती हैं, व्हाइट कलर के कोट्स हैं वो पहनती हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नर्स, नर्स, एन यू आर एस ई, नर्स. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ फोर वुमेन वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस. यहाँ हमें
डिफरेंट ड्रेसेस है वो कलेक्ट करनी है जो वुमेन्स औरतें पहनती हैं, पेस्ट देम इन स्क्रैप बुक, और अगर आपके पास स्क्रैप बुक है तो आप उस पे पेस्ट करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, अगर जिनके पास स्क्रैप बुक है तो वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मम्मी कर दीजिए। मिले स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, चैप्टर 4। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, चैप्टर 3। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। ये आप बुक वर्क में भी कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, ओनली क्वेश्चन आंसर, वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में भी करेंगे। ओके, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको ईवीएस की नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।